हेलो फ्रेंड्स, शिलोंग तीर फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के लिए जो 6 नवंबर 2024 यानी जो वेडनेसडे के लिए शिलोंग तीर का हाउस एंडिंग एंड नंबर निकाल के दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके फॉर्मूला के साथ। तो वीडियो जो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में ही आप लोगों के सामने ही जो 6 नवंबर 2024 यानी जो वेडनेसडे के लिए शिलोंग तीर का हाउस एंडिंग एंड नंबर निकाल के दिखाने वाला हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके फॉर्मूला के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर से देखते रहना। एंड शिलोंग तीर फॉर्मूला यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो एंड अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग हम लोग का पेज को भी फॉलो ज़रूर से कर लेना, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि रिजल्ट आया था जो 5 नवंबर 2024 यानी जो रिजल्ट आया था ट्यूसडे में, वो फर्स्ट वन आया था 38 एंड सेकंड वन आया था 01। तो यही दो रिजल्ट से हम लोग जो 6 नवंबर 2024 यानी जो वेडनेसडे के लिए शिलोंग तीर का हाउस एंडिंग एंड नंबर निकल के दिखाने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके फॉर्मूला के साथ। तो आइए वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अभी आप लोगों के सामने ही स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके मैं हाउस निकाल के दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए हम लोग को यहाँ पे पहले फर्स्ट राउंड का रिजल्ट यानी पहले 38 लिखना होगा, फिर सेकंड राउंड का रिजल्ट हम लोग को 01 लिखना है। तो अब इसको हम लोग को प्लस करना है, 3+8 होगा 11 का 1, 8+1 होगा 9, 1+1 होगा 2, क्योंकि दोस्तों 0 को हम लोग हमेशा 1 लेते हैं। तो अब इसको हम लोग को प्लस करना है, 1+9 होगा 10 का 0, 9+2 होगा 11 का 1, यहाँ पे होगा 1+1 होगा 2, क्योंकि दोस्तों 0 को हम लोग हमेशा 1 लेते हैं। तो सेम अभी सेकंड राउंड का रिजल्ट पहले लिखना होगा, फिर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट लिखना होगा। तो अब इसको हम लोग को प्लस करना है, 0 को हम लोग 1 लेंगे, 1+1 होगा 2, 1+3 होगा 4, 3+8 होगा 11 का 1। तो इसको प्लस करना है, 2+4 होगा 6, 4+1 होगा 5, यहाँ पे होगा 6+5 होगा 11 का 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देंगे हाउस, फिर यहाँ पे देंगे हम लोग एंडिंग, फिर यहाँ पे देंगे हम लोग डायरेक्ट नंबर, ठीक है। तो ये दोस्तों फॉर्मूला हम लोग यूज़ किया है, यह सिर्फ हम लोग को हाउस ही मिलेगा, यह हम लोग को एंडिंग भी नहीं मिलेगा एंड डायरेक्ट नंबर भी हम लोग को नहीं मिलेगा। तो हम लोग हाउस कहाँ से लेंगे, हम लोग हाउस लेंगे यहाँ से एंड यहाँ से हम लोग हाउस लेंगे। तो हम लोग का हाउस क्या मिलेगा, हम लोग का हाउस मिलेगा 0 हाउस 1 हाउस 5 हाउस एंड 6 हाउस, ठीक है। तो ये दोस्तों 4 हाउस हम लोग को मिल गया है, बट अभी तक जो है हम लोग को एंडिंग नहीं मिला है। बट मैं अभी आप लोगों के सामने ही स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके मैं एंडिंग भी निकाल के दिखाने वाला हूँ। बट वो देने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और एक बार करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हम लोग का इस चैनल शिलोंग तीर फॉर्मूला पे आए हो एंड अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग हम लोग का पेज को भी फॉलो ज़रूर से कर लेना, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो एंडिंग निकलने के लिए हम लोग को यहाँ पे पहले फर्स्ट राउंड रिजल्ट यानी पहले 38 लिखना होगा। तो उसके साथ दोस्तों हम लोग को 100 लिखना है। तो अब इसको हम लोग को प्लस करना है, 3+8 होगा 11 का 1, 8+1 होगा 9। तो 0 को हम लोग 1 लेंगे, 1+1 होगा 2, 1+1 होगा 2। तो इसको प्लस करने से 1+9 होगा 10 का 0, 9+2 होगा 11 का 1, 2+2 होगा 4। तो इसको प्लस करने से 1+1 होगा 2, 1+4 होगा 5, यहाँ पे होगा 2+5 होगा 7। तो सेम अभी सेकंड नंबर से लिखना होगा 01। तो उसके बाद भी हम लोग को 100 लिखना है। तो अब इसको हम लोग को प्लस करना है, 0 को हम लोग 1 लेंगे, 1+1 होगा 2, 1+1 होगा 2, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 2। तो इसको प्लस करना, 2+2 होगा 4, 2+2 होगा 4, 2+2 होगा 4। तो इसको प्लस करना, 4+4 होगा 8, 4+4 होगा 8, यहाँ पे होगा 8+8 होगा 16 का 6। तो हम लोग दोस्तों एंडिंग क्या लेंगे, एंडिंग लेंगे हम लोग 6 एंडिंग 7 एंडिंग एंड 8 एंडिंग, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हम लोग को हाउस भी मिल गया है, एंडिंग भी मिल गया है। तो आइए अभी देखते हैं कि अगर मेरा यही हाउस एंडिंग में से अगर नंबर होता है तो डायरेक्ट नंबर क्या हो सकता है। बट दोस्तों, मैं डायरेक्ट नंबर देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये जो मेरा हाउस एंडिंग एंड जो डायरेक्ट नंबर है, ये दोस्तों 100% श्योर नहीं है कि रिजल्ट ही से होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से नंबर हो सकता है तो आप लोग ले सकते हो, वरना आपका जो भी टारगेट है वो आप लोग ले सकते हो। तो आइए अभी देखते हैं कि अगर मेरा यही हाउस एंडिंग में से अगर नंबर होता है तो डायरेक्ट नंबर क्या हो सकता है। दोस्तों डायरेक्ट नंबर हो सकता है 0 हाउस में 06 07 08, फिर 1 हाउस में हो सकता है 16 17
18, फिर हो सकता है 56, 57, 58, फिर हो सकता है 66, 67 एंड 68। तो ये जो दोस्तों 12 नंबर है, ये मैं 12 नंबर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जो 6 नवंबर 2024 यानी जो वेडनेसडे के लिए शिलोंग तीर में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर ही से रिजल्ट होता है तो कौन सा हाउस का कौन सा नंबर होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अपना सभी दोस्तों के साथ अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना ताकि सब लोग इस वीडियो को देखें एंड सबको पता चले कि 6 नवंबर 2024 यानी जो वेडनेसडे के लिए क्या हो सकता है शिलोंग तीर का हाउस एंडिंग एंड डायरेक्ट नंबर। तो दोस्तों डेली ऐसे ही और भी शिलोंग तीर रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग हम लोग का इस चैनल शिलोंग तीर फॉर्मूला को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोग के वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग हम लोग का पेज को भी फॉलो ज़रूर से कर लेना ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक शिलोंग तीर रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।